पहले इंडिया ए टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खबर अच्छी नहीं है क्योंकि इंडिया की टीम बल्लेबाजी में पहली पारी में 100 रन के आसपास सिर्फ 107 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 99 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। तो पूरे दिन का हाल आपको हम बताएंगे। इंडिया के लिए बल्लेबाजी तो वैसे अच्छी नहीं गई, लेकिन गेंदबाजी में कुछ अच्छा प्रदर्शन आप कह सकते हैं। विकेट जिस तरह का है, यहाँ पर आपको गेंदबाजों की परफॉर्मेंस को थोड़ा अंडरमाइन भी करना पड़ेगा, बिकॉज पेस एंड बाउंस तो अच्छा है ही है, साथ में विकेट पे जो घास देखने को मिली है तो उससे तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिली है, और यही वजह रही है कि इंडिया की टीम सिर्फ 107 रनों पर ऑल आउट हो गई है। तो इंडिया की बल्लेबाजी पर हम बाद में आएंगे, पहले इंडिया की गेंदबाजी के साथ शुरू करेंगे, बिकॉज आने वाली वाटर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया की गेंदबाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और एक बात पक्की है, इस मैच में अब तक इंडिया के लिए जो बेस्ट बॉलर रहे हैं वो रहे हैं मुकेश कुमार। और मुकेश कुमार सिर्फ इस मैच में नहीं, पिछले काफी टाइम से जब से वो इंडिया की टेस्ट टीम से भी बाहर हुए हैं या सभी फॉर्मेट की टीम से बाहर हुए हैं और उनको पता चला है कि अब रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस करना है, एक डिफरेंट गेंदबाज जरूर नजर आए हैं। डोमेस्टिक में जितना खेले हैं, दिलीप ट्रॉफी से लेके ईरानी कप से लेके रणजी ट्रॉफी तक, वो सब अच्छा गया है। और यहाँ पर देखिए आज उन्होंने जो गेंदबाजी की है, सबसे अच्छी लाइन और लेंथ, जो जिसको आप कहते हैं कि प्रूविंग लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी जो है वो मुकेश कुमार ने की है, सबसे कंसिस्टेंट वो रहे, सबसे ज्यादा हेल्प विकेट से जो है उनको मिला और सबसे ज्यादा चांसेस उन्होंने क्रिएट किए। एंड में जो बॉलिंग फिगर्स उनके दिखाते हैं वो शायद जस्टिफाई नहीं करते कि 11 ओवर में उन्होंने 5 मिडन डाल के 30 रन देके 2 विकेट लिए हैं, शायद ये 4 हो सकते थे, बिकॉज एक बड़ा लॉली सा कैच ऋतुराज गायकवाड ने स्लिप में छोड़ दिया था। उसके बाद इनसाइड एडेज उन्होंने बहुत सारे निकाले, जो बहुत बार जब आपकी चीजें अच्छी बेहतर जा रही होती हैं तो स्टंप्स पे जाके लग जाते हैं और आपको विकेट्स मिलते हैं, वो उनमें से एक भी उनको नहीं मिला। आउटसाइड एडेज उन्होंने बहुत बार एक्सपोज किए, पैड पर बहुत बार गेंद मारी। सो ऑल इन ऑल अच्छी गेंदबाजी मुकेश कुमार ने की है। एक तो वो जो लेंथ है शायद 4 से 6 मीटर के बीच की वो लगातार हिट कर रहे थे, लाइन भी बड़ी अच्छी थी उनकी, प्रूविंग लाइन थी कि खेलने पर मजबूर कर रहे थे बल्लेबाज को। जब आप ये करते हैं तो जरूर जो है वो आप बल्लेबाज को दुविधा में रखते हैं, प्लस आपकी गेंद अंदर बाहर दोनों तरफ चल रही हो, वो भी अच्छी चीज। सो मुकेश कुमार काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी आज के दिन करके गए हैं, शायद 2 की जगह 4 विकेट उनके नाम के आगे होने चाहिए थे। देन प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी की बात करें तो स्पेल शुरू तो अच्छा नहीं किया था। सो क्रिकेट इज अ फनी गेम, जब शायद वो बहुत हौले हौले गेंदबाजी कर रहे थे, एक तरफ मुकेश कुमार की गेंद फ्लाई कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि गेंद हवा से बातें कर रही है, दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनकी गेंद विकेट कीपर तक पहुंच नहीं रही थी। पहले स्पेल में शायद वो उतना एफर्ट नहीं डाल रहे थे उस वक्त पर, लेकिन उस स्टेज पर वो 2 विकेट ले गए। वापस आके जब उन्होंने दूसरा स्पेल किया और शायद दूसरे स्पेल में उन्होंने लेंथ भी अच्छी की, बिकॉज पहले स्पेल में वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे, ज्यादा पीछे गेंदबाजी उन्होंने की और बहुत अच्छी गेंदबाजी पहले स्पेल में नहीं की, दूसरे स्पेल में आके लेंथ भी थोड़ा आगे हुई, एफर्ट भी प्रसिद्ध कृष्णा से ज्यादा देखने को मिला, गेंद दूसरे स्पेल में ज्यादा बेहतर चली है प्रसिद्ध कृष्णा की, लेकिन दूसरे स्पेल में उनको विकेट मिला नहीं है। इवन पहले स्पेल में भी जो विकेट उनको मिले, एक डाउन द लेग जो है वो आउट दे दिया अंपायर ने, बैट्समैन ने काफी उस पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाई कि आउट था नहीं, बॉल लगी नहीं थी, एक डिसमिसल उनको वो मिला, और दूसरी वाली शॉर्ट एंड वाइड गेंद बैट्समैन जो जबरदस्ती पोक कर जाता है शायद, और पोक करने में भी क्या, अगर उसको ऊपर मार देते तो स्लिप के ऊपर से चली जाती है, तो बैट्समैन जबरदस्ती उसको नीचे रखने के चक्कर में स्लिप में देखे गया है। सो ऑल इन ऑल प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले, पहला स्पेल आई थिंक वॉज नॉट अप टू द मार्क, बट दूसरे स्पेल में आके विकेट्स भले ही ना मिले हों, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने कई गेंदें बहुत अच्छी लेंथ पर हिट की, और जो पेस आप बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा कैन जनरेट 140 प्लस, वो उन्होंने जनरेट करके दिखाया। और आई थिंक जो 6 मीटर की लेंथ उनको हिट करनी चाहिए, पहले शायद 8 मीटर पे हिट कर रहे थे, वो उन्होंने बेहतर चीज करके दिखाई है। उसके बाद बात की जाए नवदीप सैनी की, तो नवदीप सैनी वो गेंदबाज रहे जो आज इस मैच में अपनी लाइन और लेंथ ढूंढ रहे थे, पूरे 7 ओवर वो इवन लास्ट ओवर भी डाल रहे थे तब भी ढूंढ रहे थे कि मुझे गेंद करनी कहाँ है, तो उनकी तरफ से आई थिंक खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा। 7 ओवर में 30 रन उन्होंने दिए हैं, इसीलिए वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पर भी हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ गेंदें अच्छी डाली हैं उन्होंने और वो ज्यादा तेज डालने की कोशिश कर रहे थे, जो उनकी ताकत भी है, लेकिन उससे पहले आपको अपना जगह ढूंढनी पड़ेगी,
कि कहां पर आपको गेंदबाजी करनी है, जो शायद उनको नहीं मिली। इसकी वजह से आपने देखा कि नवदीप सैनी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। नीतीश रेड्डी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, वो काम उन्होंने करके दिखाया कि आके अच्छे चैनल में लगातार गेंद डालते रहे और नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद भी अच्छा अंदर बाहर चली है। जरूर उनको विकेट नहीं मिले, पहले तीन ओवर मेडन थे, अच्छा प्रोबिंग लाइन और लेंथ जो है वो उन्होंने पहले तीन ओवर में डाली, फिर बाद में आके जो लास्ट दो ओवर किए हैं वहां पर भी ठीक थे, एक चौका लग गया बस उनको। उसके अलावा अगर आप देखें, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी से एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या चौथे फास्ट बॉलर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब गेम में सिचुएशन हो तो एक एंड पकड़ के गेंदबाजी कर सके, तो वो चीज उन्होंने यहाँ पर करके दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच बहुत इंप्रेसिव, जस्ट 5 ओवर्स बॉलिंग की उन्होंने मानव सूतर, और इस विकेट पर ऑस्ट्रेलियन सॉयल पर जहां पर विकेट पे घास भी है, जो टर्न एंड बाउंस उनको देखने को मिला था, बाउंस तो ठीक है आपको ऑस्ट्रेलियन विकेट पर मिलता है, बट जो टर्न मिला है, डिग्री ऑफ टर्न आपको मिला है, ये बड़ी कमाल की चीज रही है। प्लस आप देखिए, जो लेफ्ट आउट स्पिन कर रहे थे तो ड्रिफ्ट होके अंदर की तरफ आई और वहां से पढ़ के जो गेंद निकल रही थी बाहर की तरफ, बहुत ही शानदार। आप मानव सूतर को आने वाले टाइम में इंडियन टीम में जो देख रहे हैं कि आपको दिखेंगे आने वाले टाइम में, और शायद जो रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट आप कहेंगे वो मानव सूतर होंगे, बिकॉज वो क्वालिटी उनकी गेंदबाजी में दिख रही है। इंडिया में गेंदबाजी करते रहते हैं तो बहुत बार ये होता है कि यहाँ पर विकेट्स में हेल्प है और वो सब चीजें आपके साथ चलती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर इस तरह से टर्न एक्सट्रैक्ट करना, ये आई थिंक काबिले तारीफ चीज मैं मानव सूतर की तरफ से आज कहूंगा। बाकी इंडिया अब यहां से देखते हैं कि मैच में क्या करती है। अब बल्लेबाजी पर आ जाते हैं। इंडिया ने जो बल्लेबाजी की है, अभिमन्यु ईश्वरन जो गेंद उन्होंने खेली आउट होने से पहले, टेक्निकली आई वुड से कि करेक्ट खेली उन्होंने, बट एक छोटा सा अंतर होता है हमारे बल्लेबाजों की जो टेंडेंसी रही ना आज ऑन द राइज खेलने की ज्यादा रही, और आपको ज्यादातर डिसमिसल वो दिखेंगे जहां पर बैट्समैन ऑन द राइज खेलने की तरफ गए। अभिमन्यु ईश्वरन वॉज एब्सोल्युटली राइट वाइल प्लेइंग दैट बॉल, बट बॉल फिर भी बैट का किनारा लेके गई। सो एक चीज जो मेरे को लगी कि जब आप इंग्लैंड या बाकी जगहों पर डिफेंड करते हैं तो मे बी आप क्लोज टू द बॉडी बैट रहे आपका, बट बैट का फेस ऐसा भी हो तो चलता है, बस ऑस्ट्रेलियन सॉयल पर बॉल को नीचे रखने के लिए आपको बैट का फेस थोड़ा सा ये वाला जो है वो जरूर आना चाहिए। वो खड़े जरूर थे बट हल्का सा कहीं पुश कर गए, अगर वो नहीं करते तो उनको जरूर उस पे बच के जा सकते थे। 30 गेंदें उन्होंने खेली। ऋतुराज गायकवाड़ अनलकी कहे जाएंगे, पहली बॉल गोल्डन डक डाउन द विकेट। अब ऋतुराज गायकवाड़ के लिए तो क्रिकेट ऐसी ही चल रही है कि उनके रन नहीं बन रहे और हर जगह से उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। साई सुदर्शन ठीक खेले। अगेन मैं बात वो जो कर रहा था ना कि ऑन द राइज खेलने की आदत, ड्राइव बड़ी पसंद है हमारे बल्लेबाजों को, तो वो ड्राइविंग में ही मारे गए और गेंद चूंकि पढ़ने के बाद विकेट से कांटा भी बदल रही थी। आप साई सुदर्शन वाली गेंद देखें तो पढ़ के अंदर की तरफ भी आई, सिर्फ ये नहीं है कि वो बाउंस से आपको ऑन द राइज खेलने में दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर अगर आप 4 से 6 मीटर के बीच में लेंथ हिट कर रहे थे तो एक तो बाउंस आपको ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर जो मिलता है, प्लस बिकॉज ऑफ द ग्रास ऑफ द विकेट मूवमेंट जो थी वो भी चैलेंजिंग चीज थी, बट मोर देन दैट कि वो बॉल मूव कर रही थी, जो ऑन द राइज टेंडेंसी हमारे बल्लेबाजों की है वो भी उनके लिए मुश्किल का कारण एक रही। देवदत्त पाडिकल अच्छा खेले, कुछ शॉट खास करके जो कट उन्होंने लगाए, चौके उनको जो मिले वो बड़े कमाल के थे, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर जब आप खेलते हैं ना तो आपको कट शॉट जो है वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरी चीज कट शॉट खेलते हुए टॉप ऑफ द बाउंस पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कट तो ईशान ने भी लगाया बट जो इंडिया में जिस तरह से आप कट लगाते हैं नीचे से ऊपर, वो वाला जो है वो यहाँ पर नीचे से ऊपर का मतलब कि बैट आपका ऊपर की तरफ जाता है, आप कट शॉट लगाते हैं पॉइंट के ऊपर से या जो स्लिप्स हैं उनके ऊपर से खेलने की तरफ देखते हैं, तो वो वाला तरीका जो था वो ईशान किशन का आपको देखने को मिला। अगर आप दूसरी तरफ देवदत्त पाडिकल का तरीका देखेंगे तो टॉप ऑफ द बाउंस जाके बॉल को कंट्रोल करने की जो कोशिश आपको दिखेगी वो उनकी तरफ से दिखेगी, तो 2 चौके उन्होंने जो है वो उस एरिया में बड़े शानदार लगाए। और ईशान किशन जो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए, वो भी कट खेलने की कोशिश कर रहे थे बट उनका कट जो है वो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चला गया, तो वो कॉट बिहाइंड हो गए। बाबा इंद्रजीत अच्छा खेले और वो भी डिसअपॉइंट थे अपने डिसमिसल से, बिकॉज वो ऐसे गेंद बल्लेबाज रहे जो स्पिनर को आउट होके गए इस विकेट पर, जहां फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले, टोड मर्फी को आउट होके गए और पैड पे गेंद लगी थी उनके, शायद उनके ग्लव्स या बैट पे कहीं लगी नहीं थी, तो वो भी डिसअपॉइंट थे, अंपायर ने उनको आउट दिया, तो 2 डिसमिसल शायद एक इंडिया की पारी में भी इंडिया को मिला जो नॉट आउट था, बट इधर बाबा इंद्रजीत भी जो नॉट आउट थे आउट होके चले गए। नीतीश रेड्डी अगेन बैटिंग इन विकेट्स पर इतनी आसान है नहीं,
उनके लिए अच्छी बाउंसर डली थी तो उनको रश इन किया गेंदबाज ने। आप कह सकते हैं कि नीतीश रेड्डी पुल शॉट खेलने के शौकीन हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन विकेट पर एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस होता है, जो आपको रश इन करता है, उसमें किया। बॉल वहीं खड़ी हुई, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जो है वो कैच की गई। मानव सूतर, नवदीप सैनी ने 23 रन बनाए। अब देखो इसमें बड़ी छोटी सी चीज है, नवदीप सैनी एज अ बॉलर, उनका तरीका, टेक्निक, आई थिंक जो मैं बात कर रहा था कि अभी जैसे आप खेलते हैं तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द बैट्समैन हमारे ड्राइव के शौकीन हैं, ऑन द राइज आगे जाके खेलने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आप खड़े रहिए और बॉल को आने दीजिए, और ज्यादा बैकफुट से अगर आप खेल सकते हैं तो उसको खेलने की कोशिश करिए। क्योंकि नवदीप सैनी जब फास्ट बॉलर्स को भी खेल रहे थे तो कुछ जैसे उन्होंने शॉट्स खेले, हालांकि वो गली और उधर के एरिए से गए, तो जो आके पीछे एकदम बैकफुट पर और एकदम सीधा स्टैंड टॉल, आप जिसको कहते हैं खड़े रह के खेलने की कोशिश वो कर रहे थे, इसलिए वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाए विकेट पर, और रन भी नवदीप सैनी की तरफ से आपको 23 देखने को मिले। हालांकि चौका छक्का उन्होंने मर्फी को मारा, जो छक्का उन्होंने एक मारा, लंबा छक्का मारा था, 90 मीटर से लंबा छक्का नवदीप सैनी की तरफ से देखने को मिला। बाकी टेल की तो बात आप क्या ही करें, बट ओवरऑल इन शॉर्ट ये पहला टेस्ट मैच, पहला दिन अच्छा टेस्टिंग रहा इंडियन प्लेयर्स के लिए। यहाँ पर बल्लेबाज तो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, बट आई थिंक मुकेश कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है आज के दिन पर। देवदत्त पाडिकल, रन उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बनाए, मैंने आपको शायद बल्लेबाजों के रन नहीं बताया, मैं एक बार वो बता दूं, 36 रन देवदत्त पाडिकल ने बनाया, एंड 36 रन के स्टे में वो काफी कंफर्टेबल भी थे और उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, स्पेशली कट शॉट की बात अगर की जाए। सो जो टॉप स्कोरर हैं उसमें देवदत्त पाडिकल के 36 है, साई सुदर्शन ने 21 किए, नवदीप सैनी ने 23 रन किए, तो ये टॉप बल्लेबाज हैं। बाकी तो आपको 7-0, 9-4, 0-1 ये सब टेलीफोन जैसे स्कोर बताने का फायदा नहीं, आप स्कोर बोर्ड जाके किसी क्रिकेट की वेबसाइट पर जरूर चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये रिव्यू पहले दिन का इंडिया ए वर्सेज ऑस्ट्रेलिया ए फर्स्ट टेस्ट मैच, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।